A very good morning to all of you and welcome once again to Plus Minus, where education is belief. My name is Karthik and you guys are watching Current Affairs with me. So today is 4th of March and we are here to study about current affairs. So, जैसा कि हम रोज डेली सुबह 11 बजे करंट अफेयर्स की क्लास करते हैं तो आज भी उसी तरीके से करंट अफेयर्स की क्लास करेंगे. काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं हमारे साथ तो काफ़ी सारी चीज़ें बारीकी से समझेंगे, एक एक चीज़ को एक एक पॉइंट को उठा के बारीकी से समझेंगे ताकि हम जितनी भी हमारे जितने करंट अफेयर्स से जुड़ी हुई तमाम बातें हैं उन्हें अच्छे तरीके से अभी याद कर लें, बाद में जाके बस हमें रिवाइज करने का रह जाए और हम फिर रिवाइज करके अपने एग्जाम में जा सकें. तो हमारा आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको फिर से वही कहना चाहूँगा कि जो जो छोटी छोटी बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ वो अपना नोट डाउन जरूर करते हुए चले ताकि आपको पता रहे. सिर्फ एक सिर्फ चीज़ याद कैसे रहेगी, वो पूरी का पूरा जो क्वेश्चन है वो उस क्वेश्चन फॉर्मेट में याद कैसे रहेगा जब वो छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को याद होंगी, पता होंगी. तो ठीक है, तो सारी चीज़ें जो जो हैं वो नोट डाउन करते हुए जरूर चले. बाकी इन सभी चीज़ों की पूरी क्लास की मैं PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर जरूर करूँगा. चलिए फिर, जो जो साथी अभी तक टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़े नहीं हुए वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें. हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. तो पहला क्वेश्चन आज का देखते हैं कि हु हैज गिवन एन एडिशनल चार्ज ऑफ CRPF डायरेक्टर जनरल DG आफ्टर इंक्यूबेंट चीफ AP महेश्वरी रिटायर्स. मौजूदा प्रमुख AP महेश्वरी के रिटायर होने के बाद CRPF महानिदेशक का अतिरिक्त भार किसे दिया गया? चार ऑप्शन हमारे पास है, RN देशपांडे, BK गोचर, कुलदीप सिंह या फिर विक्रम मल्होत्रा. तो पहले तो हमें यह समझना होगा कि भाई CRPF क्या है और CRPF का डायरेक्टर जनरल एडिशनल चार्ज की बात क्यों कर रहे हैं. एडिशनल चार्ज की बात हम इसलिए कर रहे हैं, साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है कि जो ये एडिशनल चार्ज इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि जो ऑलरेडी एट प्रेजेंट चीफ थे, इंक्यूबेंट का मतलब होता है मौजूदा, मौजूदा यानी कि जो एट प्रेजेंट थे, तो इंक्यूबेंट चीफ AP महेश्वरी जो कि CRPF के डायरेक्टर जनरल यानी कि CRPF चीफ थे वो रिटायर हो गए और रिटायर होने के बाद कुलदीप सिंह को, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है कुलदीप सिंह, इन्हें एडिशनल चार्ज दिया जा रहा है जब तक किसी और को अपॉइंट नहीं कराया जाता. तो कुलदीप सिंह कौन है, कुलदीप सिंह के बारे में जानते हैं और देखते हैं कि भाई इनको एडिशनल चार्ज से क्या मतलब है. तो कुलदीप सिंह आईपीएस है और ये स्पेशल DG है सेंट्रल जोन के, CRPF में ही स्पेशल डायरेक्टर जनरल स्पेशल DG है. कहाँ के? सेंट्रल जोन के, सेंट्रल जोन के स्पेशल DG हैं. तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि भाई कुलदीप सिंह को यहाँ पे डायरेक्टर जनरल अपॉइंट करा गया एडिशनल चार्ज के साथ. तो ये देखो, ये तो अभी थोड़े दिनों में फिर चेंज हो जाएंगे, जब तक इनकी अपॉइंटमेंट नहीं होती जो परमानेंट डायरेक्टर जनरल होंगे CRPF के, उनकी अपॉइंटमेंट होने के बाद कुलदीप सिंह से जो चार्ज है ये ले लिया जाएगा. तो इस दौरान जी हमें मौका मिला है कि भाई CRPF के बारे में थोड़ा सा हम जानकारी ले लें ताकि जो हमारे CRPF से जुड़े हुए जो तमाम चीजें होती है वो हमें पता हो और एग्जाम में आने वाली कोई भी बात हो हम उससे बचना, मतलब छूटी ना रहे. तो CRPF है क्या? सही है, CRPF है सेंट्रल, ये सभी को पता है कि CRPF है क्या, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स. ठीक है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है और ये इंडिया की लार्जेस्ट यानी कि सबसे बड़ी पैरामिलिट्री है. इसमें तकरीबन 3.25 लाख यहाँ पे पर्सनल है, मतलब जो हमारे जवान है 3.5 लाख के करीब यानी 3.25 लाख के करीब यहाँ पे आर्मी पर्सनल है, CRPF के पर्सनल है. और CRPF का मेन मकसद क्या है, जो देश के अंदरूनी है यानी कि जो बॉर्डर्स की है वो तो आर्मी का काम है, बट जो देश का अंदरूनी जो है वो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम होता है CRPF का, चाहे फिर वो जम्मू कश्मीर के बारे में हो, एंटी टेररिज्म की बात हो या फिर जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिटिज्म है यानी कि जो माओवादी हैं उनको न्यूट्रलाइज करना हो या फिर हमारा नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जितना भी आपराधिक मामले होते हैं, जो टेररिज्म के मामले होते हैं जो नॉर्थ ईस्ट में, वो भी CRPF ही दिखती है. तो CRPF का यहाँ पे हेडक्वार्टर्स आपको जानना जरूरी है कहाँ पे है. CRPF का हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में. और इसको फाउंड कब करा गया था, ये इंपॉर्टेंट होता है. तो फाउंड कब करा गया था, 27 जुलाई 1939 को. ठीक है, 27 जुलाई 1939 यानी कि 1939 को यहाँ पे फाउंड करा गया था CRPF को. इनका मोटो है सर्विस एंड लॉयल्टी.
तो लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इनका मोटो आप लोग जरूर नोट डाउन करेंगे। आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, विच कंट्री रिसीव द फर्स्ट एवर एम्बेसडर फॉर द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स फॉलोइंग द लास्ट ईयर हिस्टोरिक एग्रीमेंट बिटवीन द कंट्रीज टू नॉर्मलाइज टाई। आपको याद होगा पिछले साल हमने, मतलब पिछले साल यानी कि 2020 में ही कुछ आखिरी के महीने में, जब डोनाल्ड ट्रंप का कुछ चुनिंदा दिन रहते थे, तो उन्होंने एक हिस्टोरिक डील साइन करवाई थी दो देशों के बीच में। वो थी हमारा, जिसे कहा जाता है अब्राहम अकॉर्ड्स। अब्राहम अकॉर्ड्स, इस अकॉर्ड्स, इस डील के तहत हुआ क्या था, जो हमारे खाड़ी के मुल्क हैं यानी कि जो हमारे गल्फ कंट्रीज हैं, जैसे कि हमारा सऊदी अरेबिया है, यूएई है, सूडान है, बहरीन है, मोरक्को है, तो ये ऐसी कंट्रीज इसराइल से कटे हुए थे, इसराइल से कटे हुए हैं, और ये इसराइल को एज अ कंट्री नहीं मानते हैं, एज अ कंट्री उसको नहीं मानते थे। तो इसके साथ हुआ क्या था कि भाई यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई और इसराइल के बीच में एक हिस्टोरिक पैक्ट हुआ था, यूएई और इसराइल, कि डिप्लोमेसी को बढ़ावा दिया जाएगा, यानी कि आज तक जो डिप्लोमेसी टाई अप बिल्कुल नहीं थे, एक दूसरे को दुश्मन की नजर से देखते थे, वो सब हटा के एक दूसरे को एक पड़ोसी मुल्क की तरह देखा जाएगा, देश की तरह देखा जाएगा, और वहां पे जितने भी डिप्लोमेटिक टाइज हैं वो बनाए जाएंगे उसी के तहत, उसकी तरह। पहला पहल यही है कि जो एम्बेसडर होता है यानी कि हाई कमिश्नर होता है किसी देश का दूसरी कंट्री में, वो नियुक्त करा गया है यूएई का इसराइल में। तो यूएई के इसराइल में प्रेसिडेंट द्वारा इनको, जो यूएई के प्रेसिडेंट है रेवन रिविलिन, यूएई के प्रेसिडेंट कौन है, सॉरी यूएई के नहीं, इसराइल के, माय मिस्टेक। तो इसराइल के प्रेसिडेंट, इसराइल के प्रेसिडेंट कौन है, रेवन रिविलिन, इन्होंने वेलकम करा था एम्बेसडर का, यूएई के एम्बेसडर था, यूएई के जो हाई कमिश्नर है, पहली बार इसराइल गए हैं, वहां पे अपना ऑफिस बनाया है, वो वहां पे राजदूत के रूप में अपना कार्यभार संभालेंगे। तो वहां पे जैसे अब्राहम अकॉर्ड्स पहले तो जैसे इजिप्ट का था, और फिर जॉर्डन, और फिर उसके बाद यूएई, क्योंकि यूएई तीसरा एक ऐसा देश बना था जिसने इसराइल के साथ ऐसे टाई अप करे थे अब्राहम अकॉर्ड्स के अंदर, और उसके बाद उसके साथ साथ बहरीन, फिर हमारा मोरक्को था और सूडान था। ये सारे जो ब्रोकर के रूप में यानी कि जो बीच में मध्यस्थता किसने करवाई थी, डोनाल्ड ट्रंप ने करवाई थी। अब आपको पता है कि इसराइल के पीएम कौन है, इसराइल के पीएम भी आप लोगों को पता है, ये तो पता ही है, कौन है, बेंजामिन नेतन्याहू। और यहाँ पे इसराइल की कैपिटल भी देख लेते हैं क्या है, इसराइल की कैपिटल है जेरूसलम। ठीक है, तो यहाँ पे जो अरब कंट्रीज हैं उसका और इसराइल का लफड़ा ही यही है, क्योंकि इसराइल एक ज्यूइश कंट्री है, और अरब कंट्रीज आपको पता ही है, ज्यूज और अरब कंट्रीज के बीच में काफी घमासान हिस्ट्री है, तो उसी के तहत यहाँ पे जो अरब कंट्रीज है वो इसराइल को अपनाते नहीं थे, एज अ कंट्री के रूप में भी स्वीकार नहीं करते थे। अब वो चीजें बदल रही हैं। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। हु वॉन 2021 युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट इन कंपाला इन मेंस कैटेगरी, पुरुषों की श्रेणी में कंपाला में 2021 युगांडा अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट किसने जीता, पी कश्यप, कादम्बी श्रीकांत, वरुण कपूर, वरुण चक्रवर्ती। चार ऑप्शन आपके पास हैं, और यहाँ पे एक ये युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट है जो कि कंपाला में हुआ था, और आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कंपाला क्या है, युगांडा की कैपिटल है, युगांडा की क्या है, कैपिटल है, जहां पे ये इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट करवाया गया। वहां पे वरुण कपूर ने मेंस कैटेगरी में, और मालविका बंसल, मालविका इन्होंने विमेन कैटेगरी में, ये खिताब जीता। ठीक है, मालविका बंसल ने विमेन कैटेगरी में, वरुण कपूर ने मेन कैटेगरी में एक खिताब जीता, और ये एक ज्यादा बड़ा टूर्नामेंट नहीं था, मतलब इंटरनेशनल टूर्नामेंट था, अलग अलग देशों ने किया था, बट जो थोड़े हमारे होते हैं जैसे पी कश्यप थे, कदम्बी श्रीकांत है, ये बड़े बड़े जो प्लेयर हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करा था इनमें, जो थोड़े से टायर टू के जो प्लेयर होते हैं उन्होंने पार्टिसिपेट करा था, बट ये इंटरनेशनल टूर्नामेंट था, तो ये एक अचीवमेंट है,
वरुण कपूर की इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीतना और मालविका बंसल की भी ये विमेन कैटेगरी में फर्स्ट पोजीशन आना, तो ये दोनों नाम आप लोगों को पता होने चाहिए कि जो युगांडा में मार्च महीने में मतलब फेब एंड में शुरू हुआ था ये टूर्नामेंट, तो इसमें जो युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट था इसको जीतने वाले कौन है, वरुण और मालविका। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर, हु लॉन्च सुगम्य भारत ऐप। अब सुगम्य भारत ऐप लॉन्च करने वाले किसने शुरुआत करी, ये आपसे पूछा गया है, और ये बहुत अच्छा ऐप है ये भारत, सुगम्य भारत जो ऐप बनाया गया है ये, जिसकी नेसेसरी नीड थी, बहुत ज्यादा नीड थी, और इसको सिर्फ ऐप के रूप में ना देखा जाए, इसको हम जन जन को हमें स्वीकार करना होगा, जो इसका मकसद है वही हम सबको मकसद बनाना होगा। पहले तो समझते हैं कि भाई ये सुगम्य भारत ऐप है क्या और ये करेगा क्या, और ये किसने लॉन्च करा है उसके बारे में देखते हैं। इसके हमारे पास ऑप्शन है थावरचंद गहलोत, पीयूष गोयल, नरेंद्र मोदी या फिर नितिन गडकरी। तो इसे लॉन्च करा गया है थावरचंद गहलोत द्वारा, थावरचंद गहलोत, और ये है कौन, ये है यूनियन मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर हैं, किस चीज के हैं ये, यूनियन मिनिस्टर हैं सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। अब ये जो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री है ना, इसके अंडर एक डिपार्टमेंट आता है, इसके अंदर एक डिपार्टमेंट क्या आता है, वो आता है एम्पावरमेंट फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज, एम्पावरमेंट फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, ये एक डिपार्टमेंट है, ये इस डिपार्टमेंट में ये सुगम्य भारत ऐप लॉन्च करा है। इस ऐप के तहत जो हमारे साथी हैं, यानी कि हमारे देश के जो नागरिक हैं, जो थोड़े से फिजिकली हमारे डिसेबल हैं, या फिर हमारे इसके साथ साथ फिजिकली डिसेबल जो हमारे जो भाई बहन हैं उनके साथ साथ जो हमारे एल्डरली पीपल हैं, एल्डरली पीपल जो हैं वो शिकायत दर्ज करवा सकेंगे कहीं पे किसी भी चीज का एक्सेस ना मिलने पर, किसी भी चीज का एक्सेस ना मिलने पर, एक्सेसिबिलिटी उसकी डिनाई होने पर, उसका उनको हक ना मिलने पर, ये शिकायत दर्ज करा पाएंगे सुगम्य भारत ऐप पर, चाहे वो किसी भी रूप में हो, फिजिकल रूप में हो, या फिर किसी जो अधिकारी है उसके मना करने पे हो, या फिर किसी वहां तक जाने में दिक्कत हो, किसी भी तरीके की जो दिक्कत है, चाहे फिर वो एल्डरली पीपल हो या फिर साथ ही मतलब मेनली तो ये फोकस था किस पर, पर्सन विद डिसेबिलिटीज पे, पर्सन विद डिसेबिलिटीज पे, पर्सन विद डिसेबिलिटीज पे फोकस था, और पर साथ ही साथ एल्डरली पीपल के लिए भी ये एक ऐप है जिसको लॉन्च करा गया है, जिसके तहत वो कोई भी शिकायत हो, जिसके तहत किसी भी सरकारी काम, गैर सरकारी काम के एक्सेसिबिलिटी डिनाई हो रही हो उनकी, उनको एक्सेस नहीं मिल पा रहा हो, तो उसकी शिकायत वो दर्ज करवा पाएंगे। ठीक है, तो ये लॉन्च करा गया था थावरचंद गहलोत ने, थावरचंद गहलोत कौन है, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के मिनिस्टर है, इसके अंदर एक डिपार्टमेंट आता है एम्पावरमेंट फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर, एक्स डेजर्ट फ्लैग इज अ एनुअल मल्टीनेशनल लार्ज फोर्स एम्प्लॉयमेंट वॉरफेयर एक्सरसाइज होस्टेड बाय विच कंट्रीज, यूएसए, इंडिया, जापान या फिर यूएई। एक बहुत बड़ी, बहुत यूं कहें कि जितने भी हमने वॉर एक्सरसाइज हमने पढ़ी हैं, जैसे वो पासेक्स हो या फिर हमारा युद्ध अभ्यास हो, कुछ भी हो, जितने भी बड़े बड़े हैं, ज्यादातर हम पढ़ते हैं बाइलिंगुअल पढ़ते हैं, बाइलिंगुअल सॉरी टू पार्टी एक्सरसाइज होती है, टू कंट्री एक्सरसाइज होती है, या फिर हमारे यूं देखिए जो क्वाड्रेंट है, हमारा जो क्वाड्रेंट बन रहा है, क्वाड बन रहा है, द क्वाड फोर्स, वो है इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया की, तो और अमेरिका, तो उसमें भी, और एक मालाबार एक्सरसाइज होती है, तो ये थोड़ी सी मल्टीनेशनल होती है, बट सबसे बड़ा यूं कहें कि अभी तक का जितना भी हमने पढ़ा है उसमें सबसे बड़ा मल्टीनेशनल जो ये जो युद्धाभ्यास होता है वो होता है एक्स डेजर्ट फ्लैग, एक्स डेजर्ट फ्लैग यानी कि एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग, एक्स डेजर्ट फ्लैग का मतलब होता है एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग। ये नाम आपको याद रखना, ये नाम आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसको होस्ट कौन करता है, ये होस्ट करता है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में इसको होस्ट करा जाता है इस कंट्री द्वारा, और ये कहाँ पे हो रहा है, अल दाफरा एयरबेस, अल दाफरा एयरबेस में ये हो रहा है, तो ये एयरबेस यानी कि जो एयरफोर्सेस है इन अलग अलग कंट्रीज की, वो इसमें पार्टिसिपेट करती है, और इसमें कौन कौन सी कंट्रीज होती हैं, काफी सारी कंट्रीज है, यूएई तो है ही है, वो होस्ट कर रही है, तो यहाँ पे अमेरिका भी है, यूएसए भी है, फ्रांस भी है,
और साथ ही साथ सऊदी अरेबिया भी है और साउथ कोरिया भी है। बहरीन और इंडिया इसमें पार्टिसिपेट करेगा। और इंडिया अपने मतलब जो इंडियन एयरफोर्स है ना वो अपने यहां से क्या कौन कौन सी चीजें पार्टिसिपेट करेंगी। सिक्स तो Su-30 MKI, Su-30 जो फाइटर जेट्स हैं MKI ये पार्टिसिपेट करेंगे। 6 फाइटर जेट्स है Su-30 MKI, साथ ही साथ 2 C-17 और एक हमारा IL-78 जो टैंकर एयरक्राफ्ट है उसको भारत से उड़ान लेकर अल दाफरा एयरबेस तक गए हैं। और वहां पे ये जो यूं कहें कि पूरे महीने चलने वाला है क्योंकि ये जो पूरा महीना जो है ये 3 तारीख से ये जो पूरी एक्सरसाइज शुरू हुई 3 से लेकर ये 27 मार्च तक एक्सरसाइज चलेगी। तो इतनी सारी कंट्रीज के इतने सारे एयरफोर्स के जो मेंबर्स आए हैं वहां पे, तो ये जो बायलेटरल कोऑपरेशन है अलग अलग देशों में कैसे अपना साझा समझो समझो साझा एक स्ट्राइक करा जाए कहीं पे, कैसे एंटी टेररिज्म जो ऑपरेशंस है उन्हें ऑपरेट करा जाए, तो ये सारी चीजें यहाँ पे इसकी प्रैक्टिस करते हैं इसकी एक्सरसाइज करते हैं। तो इंडिया की तरफ से भी काफी सारे यानी कि यहाँ पे देखा जाए तो तकरीबन 9 यहाँ पे एयरक्राफ्ट वहां पे लेके गए हैं। तो अलग अलग किस्म के एयरक्राफ्ट है, 6 तो हमारे Su-30 MKI है, 2 C-17 है और एक हमारा टैंकर एयरक्राफ्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके साथ साथ हम ये भी जान लेते हैं कि भाई IAF यानी कि इंडियन एयरफोर्स के चीफ कौन है। इंडियन एयरफोर्स के चीफ हैं IAF चीफ हैं RKS भदौरिया। ऑलराइट, तो RKS भदौरिया कौन है, राकेश कुमार सिंह भदौरिया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। व्हेन इज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे ऑब्जर्व। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कैसा दिन, यानी कि जिसमें हमारा जो वाइल्ड लाइफ है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसकी अवेयरनेस के लिए हमारे एक दूसरे की जागरूकता बढ़ाने के लिए ये एक दिन सेलिब्रेट करा जाता है और ये करवाया जाता है। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, ये है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। इनका मेन मकसद ही यही है कि दुनिया में अर्थ पे जो बहुत ही सुंदर बहुत ही खूबसूरत बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही प्रीशियस यानी कि इतना कीमती जो हमारा फ्लोरा और फौना है, जो हमारे वन्य जीव हैं या फिर हमारे पेड़ पौधे हैं जो इतने खूबसूरत और उनका जो मकसद है मतलब उनसे हम जो यूटिलाइजेशन कर सकते हैं वो इतना वास्ट है कि हमारे दुनिया में जितनी भी समस्याएं हैं वो हमारी फ्लोरा और इस फौना से दूर हो सकती हैं। तो यही उनका मानना है और यही चीज प्रमोट करते हैं कि इसे हमें प्रिजर्व करना चाहिए, वाइल्ड लाइफ को बचाना चाहिए। और ये एक दिन है, किस दिन, 3 मार्च को ये सेलिब्रेट होता है। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब सेलिब्रेट होता है, 3 मार्च यानी कि कल के दिन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेट करा गया था। तो काफी सारे सेलिब्रिटीज ने अपने जंगल में जब वो किसी ट्रैकिंग पे गए थे या फिर कोई सफारी पे गए थे तो वहां से उन्होंने फोटो भी शेयर करी है, तो ये सोशल मीडिया पे भी काफी चर्चित रहा था। तो इस बार की थीम क्या है, इस बार की थीम आप लोग जरूर नोट डाउन करें, इस बार की थीम है कि फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड, फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड, सस्टेनिंग पीपल एंड प्लेनेट। ये तो आप लोगों को पता ही है क्या चीज होती है, सस्टेनिंग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनिंग पीपल एंड प्लेनेट। बिल्कुल सही बात है ये कि भाई इंसानों का बचाव, इंसानों की सिक्योरिटी तभी हो पाएगी जब हम अपना प्लेनेट सुरक्षित रख पाएंगे। प्लेनेट सुरक्षित कब रख पाएंगे, जब हम अपना वाइल्ड लाइफ सुरक्षित रख पाएंगे। तो यही इस साल की थीम है और इस साल की थीम और ये तो हमेशा की थीम यही रहनी चाहिए और हमेशा यही बात होनी चाहिए कि भाई हमें जो वाइल्ड लाइफ है उसे प्रिजर्व करना है तो करना है, यही हमारा गोल होना चाहिए जीवन में। ठीक है, तो आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। वेयर डज इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज। अभी हाल ही में ऋषिकेश में, जो आपको पता है ना काफी अच्छी जगह है गंगा किनारे की, जो ये जगह है जो गंगा फिर हमारा अभी तो ऊपर ही रहती है मतलब पहाड़ों पे ही रहती है, फिर आगे नीचे आते होते हरिद्वार में जब प्लेन्स में पहली बार आती है, तो उससे पहले जो ऋषिकेश है काफी टूरिस्ट स्पॉट है वहां पे ये ऑर्गेनाइज कराया गया था इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल। और ये इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल किसके द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया गया था, उत्तराखंड टूरिज्म बोर्ड, उत्तराखंड टूरिज्म बोर्ड एंड गढ़वाल मंडल विकास निगम।
इन दोनों के द्वारा ये इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करवाया गया। तो यहाँ पे पतंजलि के जो हमारे बाला कृष्ण है, यानी कि जो रामदेव के साथ जो वो सफेद वस्त्रों में जो दिखते हैं ना बाला कृष्ण, वो भी थे, उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट करा और इसको मतलब जो इनॉग्रेशन के टाइम पे वो भी मौजूद थे। तो ये था वहाँ के जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, उत्तराखंड के एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं वो भी थे, और गढ़वाल मंडल विकास निगम के जो प्रधान है वो भी थे, और इन सभी ने मिलकर इस इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल को इनॉग्रेट करा। और ये हुआ था ऋषिकेश में। आप सभी को पता है कि भाई योगा इतना इम्पोर्टेंट है, और योगा अभी पीछे एक जो टूल किट केस आया था उसमें ये भी था कि भाई इंडिया की जो छवि है जो टी और योगा से है उसको हमें ज्यादा बढ़ावा नहीं देना है, उसके खिलाफ हमें चीजें निकालनी है। तो ये एक इंडियन इमेज के रूप में तैयार हो रहा है कि भाई योगा इज अ ब्रांड ऑफ इंडिया एंड ब्रांड ऑफ इंडिया इज योगा। तो एक ही चीज है, योगा इंडिया, इंडिया योगा, एक ही चीज को जो ब्रांड के रूप में इंडिया इसको दुनिया भर में प्रोजेक्ट कर रहा है, तो उसी के तहत ये इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करवाया गया था ऋषिकेश में। ठीक है, तो उत्तराखंड के यहाँ पे सीएम कौन है, उत्तराखंड के सीएम कौन है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो उत्तराखंड के सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत। त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के सीएम है, और बेबी रानी मौर्य वहां की गवर्नर है, बेबी रानी मौर्य वहां की क्या है, गवर्नर। ओके तो आज के आखिरी क्वेश्चन पे चलते हैं। हु वॉन आईएसएल लीग फुटबॉल विनर शील्ड, आईएसएल लीग फुटबॉल विजेता शील्ड किसने जीता, इंडियन सुपर लीग। आईएसएल क्या है, जैसे कि हमारा आईपीएल है वैसे ही फुटबॉल के लिए आईएसएल होता है, इंडियन सुपर लीग। ये क्लब फुटबॉल होती है, यानी कि अलग अलग क्लब्स होते हैं, तो उसमें जैसे कि आईपीएल होता है वैसे ये फुटबॉल के लिए एक पूरा टूर्नामेंट होता है। तो यहाँ पे मुंबई सिटी एफसी, मुंबई सिटी एफसी, एफसी का मतलब होता है फुटबॉल क्लब, एफसी का मतलब होता है फुटबॉल क्लब। तो जैसे बेंगलुरु एफसी, केरला ब्लास्टर्स एफसी और एटी के मोहन बागान, ये प्रमुख है वैसे तो, काफी सारे क्लब्स हैं, काफी सारी टीम है। तो ये जो फेमस टीम है उनमें से जो मुंबई सिटी एफसी ने एटी के मोहन बागान को पिछाड़ा, एटी के मोहन बागान और मुंबई सिटी एफसी दोनों ही 40 पॉइंट के साथ ये टूर्नामेंट खत्म हुआ था। बट जो हमारा मतलब यानी कि मुंबई सिटी एफसी का जो लीग स्टेज का मैच था उसमें जो इनकी जो बढ़त थी उसके कारण मुंबई सिटी एफसी को विनर घोषित करा गया, और इन्होंने ये जो विनर शील्ड जीती है। इसके साथ हुआ क्या, ये शील्ड जीतने के साथ साथ इनको मौका मिला है किसमें, एएफसी चैंपियंस लीग, एएफसी चैंपियंस लीग में पार्टिसिपेट करने का। अब जैसे कि आपको पता है अगर क्रिकेट से संबंधित है तो इस क्रिकेट से इसको जोड़ें, तो जैसे अगर आईपीएल जीतने के बाद फिर चैंपियंस ट्रॉफी भी होती है, चैंपियंस ट्रॉफी भी होती है, तो वैसे ही एएफसी चैंपियंस लीग है एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन, एशियन फुटबॉल। तो ये जो एशिया का जो फुटबॉल का है, मतलब एशिया का फुटबॉल का जो संगठन है एएफसी, एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन, उसका एक चैंपियंस लीग होता है, यानी कि जो एशिया के जितने क्लब्स हैं ना उनके जो मुकाबले होते हैं उसमें। और ये पहली बार नहीं, मतलब ये दूसरी बार हुआ है, मतलब ज्यादा टाइम नहीं, ज्यादा बार नहीं, दूसरी ही बार हुआ है कि इंडिया का कोई क्लब एएफसी चैंपियंस लीग में उसको वहां पे पहुंचने का क्वालिफाई कर पाया है। तो ये सेकेंड टाइम ही है कि कोई इंडियन, सेकेंड इंडियन क्लब है जो कि वहां पे क्वालिफाई हुआ है, इसके लिए एएफसी चैंपियंस लीग के लिए। इसमें अब मुंबई सिटी एएफसी एएफसी चैंपियंस लीग के लिए अपने मैच आगे खेलेगी। ठीक है, तो ये तो थे आज के दिन के 8 क्वेश्चन जो कि आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहता था। उम्मीद है कि आप लोगों की करंट अफेयर्स की जो स्टडी चल रही है पूरी, चाहे वो फिर किसी भी एग्जाम के लिए हो, DSSSB के लिए हो, SSC के लिए हो, चाहे फिर वो किसी भी एग्जाम के लिए हो, स्टेट लेवल एग्जाम हो या फिर हमारा बड़ा लेवल हो, RRB हो, तो सभी के एग्जाम की जो तैयारी है करंट अफेयर्स की वो अच्छे तरीके से कर रहे होंगे हम, और उसमें मेरी तरफ से छोटा मोटा आप लोगों के लिए योगदान काफी हो रहा होगा। तो उम्मीद यही है, कल सुबह फिर आपसे मुलाकात होगी 11 बजे, और आप इस पूरे
सेशन की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर पा सकते हैं। और जितने भी साथी DSSSB की तैयारी कर रहे हैं, DSSSB एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम हो, TGT हो, PGT हो, या फिर हमारा असिस्टेंट का हो, असिस्टेंट ग्रेड 1 का हो, स्टेनोग्राफर का हो, या फिर हमारा फी कलेक्टर का हो, किसी भी चीज का हो, तो किसी भी TGT PGT का हो, कोई भी इकोनॉमिक्स हो, कंप्यूटर साइंस हो, सभी के लिए जो कॉमन पेपर होता है, जनरल पेपर होता है, उसका फ्री टेस्ट सीरीज चलाया जाता है हमारी वेबसाइट पर plus-edu.com पर। वो होता है हर संडे को टेस्ट होता है, तो उसके लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम पर ग्रुप पे जुड़ जाएं, वहां पे ज्यादा जानकारी के लिए आप जितनी भी डिटेल चाहिए वहां पे शेयर कर दी जाएंगी। बाकी आप इस वीडियो के कमेंट में भी लिख के पता कर सकते हैं कि कैसे इन टेस्ट को अटेम्प्ट करें और कैसे अपनी प्रिपरेशन में, जो हमारी तरफ से आप लोगों के लिए एक छोटी सी पहल है, उसका यूटिलाइजेशन करें। तो अपना और अपने परिवार का यूं ही ध्यान रखें, और आप अपना साथ और अपना प्यार हमारे चैनल के लिए, हमारे लिए, मेरे लिए यूं ही बरकरार रखें। आप लोगों का जो भरोसा है मुझ पर वो यूं ही हमेशा बना रहे। जो आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, इतने दिनों से आप लोगों का जो सपोर्ट मिल रहा है, वो आगे भी यूं ही बना करा रहे। तो यही हमारी एक विश रहेगी आप लोगों के साथ जो शेयर करते हैं। तो अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना, फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।